जैन साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट ईआर में अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती के बारे में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2017 से पहले जेएनके पुलिस की नई भर्ती कब तक आ सकती है। आप लोगों को बता दें कि जहां पर जेकेएसएसबी ने जुलाई महीने में एक नोटिफिकेशन निकाला था, जुलाई महीने में एक वैकेंसी निकाली थी जिसमें होम डिपार्टमेंट्स की 6000 वैकेंसी बताई गई थी। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि ऑनलाइन ग्रेवेंस भी कुछ बच्चों ने भेजी थी जिसमें ग्रेवेंस का रिप्लाई आया था पीछे। अभी कब आया था? जुलाई लास्ट अगस्त में ही ग्रेवेंस का अप्लाई आया था जिसमें उनका कहना है था कि हमने 6000 वैकेंसी जो है वो दे दी है होम डिपार्टमेंट्स को। आप लोगों को बता दें कि जे इसका मतलब जे था, इंडिकेशन जे था, सिग्नल जे था कि आप लोगों की जो 6000 जम्मू कश्मीर पुलिस की वैकेंसी आएगी वो जेकेएसएसबी के पास ही जाने वाली है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फॉर्म कब तक निकल सकते हैं। आपको बता दें कि जेकेएसएसबी की एक मीटिंग हुई है कल ही परसों जिसमें उनका कहना है कि हम सबसे पहले ओएमआर बेस एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद हम जहां पर एग्ज़ाम लेने के बाद हम फिर एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, ठीक है। पेंडिंग कुछ रिजल्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करेंगे उसके बाद। इसका मतलब है उनका कहना है कि हम नवंबर महीने से पहले कोई भी फॉर्म नहीं आउट करने वाले। तो इसका मतलब है कि जेकेबी की भर्ती जो है वो नवंबर महीने में ही आपकी डिक्लेयर होगी। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आपको बता दें कि आज भी जहाँ पर जेकेएसएसबी ने 5000 वैकेंसी के बारे में बताया है कि उन्होंने 5000 वैकेंसी जल्दी एडवर्टाइजमेंट करनी है। 3000 इन्होंने पहले बताया था, बट जिन्होंने जे मेंशन नहीं किया था कि जे डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, इसमें 5, 6, 7, 8 हज़ार वैकेंसी होगी। अब जे 8000 वैकेंसी कौन सी है? इसमें क्लास फोर्थ की वैकेंसी है, इसमें जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें सिविल डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है, इसमें किसकी वैकेंसी है इसके बारे में अभी इन्होंने डिटेल नहीं बताया है। बट आप लोगों को बता दें कि 8000 टोटल वैकेंसी जो है वो जेकेएसएसबी के पास पहुँच गई है। ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है और जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि जेकेपी की भर्ती भी होगी जिसमें 6000 के आसपास वैकेंसी हो सकती है, जो वैकेंसी एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड आईआरपी वगैरह की मिक्स रहेगी। और आप लोगों को सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा जेकेएसएसबी के द्वारा। रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद 12 गुना बच्चे रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, गुलशन ग्राउंड में दौड़ होगी, दौड़ के बाद आप लोगों की जो है वो सिलेक्शन होने की संभावना है। इसलिए आप लोगों आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें क्योंकि उधर आप लोगों के उसके फॉर्म भी लगने वाले हैं, ऐसी जीडी वगैरह के, तो और भी नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप लोग कमेंट करके जो बताएं कि आपको क्या लगता है कि जेकेपी की भर्ती कौन कंडक्ट कराएगा, जेकेपी कराएगी खुद या जेकेएसएसबी।